आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं आपके लिए आज बहुत ही अच्छा पॉजिटिव सॉन्ग लेकर आई हूँ कि पराली ना जलाओ। रे पराली ना जलाओ तुम, हो पटाके ना चलाओ तुम। रे पराली ना जलाओ तुम, कि पराली मत जलाओ, इससे क्या क्या नुकसान है। रे पराली ना जलाओ तुम, ओ पटाके ना चलाओ तुम। जे तुम पराली यूं जलाओ तो क्या क्या हो जाएगा, जे तुम पराली यूं जलाओ तो क्या क्या हो जाएगा। ध्यान लगा करे सुनो, ध्यान लगा करे सुनो, कोरा फैल जाएगा, आंखों को जलाएगा। कोरा फैल जाएगा, आंखों को जलाएगा, पर्यावरण में मिल जाएगा। सांस फूल जाएगी, साधन से साधन टकराए, समझ नहीं पाएगा। ओ पराली ना जलाओ तुम, रे पटाके ना चलाओ तुम। ना 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 ना, ओ पराली ना जलाओ तुम, रे पटाके ना चलाओ तुम। जे तुम पटाके ऐसे ही चलाओ तो क्या क्या हो जाएगा, तो क्या क्या हो जाएगा। ध्यान लगा करे सुनो, ध्यान लगा करे सुनो, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, शोर बढ़ जाएगा। स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, शोर बढ़ जाएगा, कुरी ना लौट आएगा, समझ नहीं पाएगा। ओ पटाके ना चलाओ तुम, रे पटाके ना चलाओ तुम, ओ पटाके ना चलाओ तुम, रे पटाके ना चलाओ तुम। जे तुम पटाके ना चलाओ तो क्या क्या हो जाएगा, जे तुम पराली ना जलाओ तो क्या क्या हो जाएगा। चारा बन जाएगा, सूखा मिल जाएगा। चारा बन जाएगा, सूखा मिल जाएगा, पर्यावरण खिल जाएगा, टूड़ा बच जाएगा। ओ पराली ना जलाओ तुम, रे पटाके ना चलाओ तुम, हो पराली ना जलाओ तुम, रे पटाके ना चलाओ तुम। मत जलाओ इन पटाखों को, मत जलाओ इस पराली को, ये हम सबके लिए ही नुकसानदेह है, इसलिए इसको मत जलाओ। और इस टाइम पर केवल एक ही फैक्टर इम्पोर्ट नहीं होता, इस टाइम पर जो ये सीजन होता है ना, जिसमें है ना कई सारे फैक्टर इकट्ठे हो जाते हैं और जो इन्वायरमेंट को बढ़ाने में सहायक होते हैं। इस समय एक तो धान की कटाई चलती है, और इस समय एक दशहरा है, दीपावली है, ये आ जाते हैं। एक फैक्टर ये होता है, और एक फैक्टर पटाखों को होता है, एक फैक्टर इसका होता है पराली का, और एक फैक्टर हो गया जो फैक्ट्री है उनका। तो इतने सारे फैक्टर होकर जब इन्वायरमेंट को हानि पहुँचाते, तो इन्वायरमेंट तो बढ़ेगा ही। तो इसलिए आप इस सीजन में सरकार को चाहिए कि वो इस समय में फैक्ट्रियों को कुछ दिनों के लिए बंद कर दे, या बंद नहीं तो उसको, उनके जो धुआं है उसका वो निवारण करें इस समय। और एक पराली को ना जलाओ, इससे कितना नुकसान, क्योंकि पराली से मीथेन गैस निकलती है जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होती है। अगर हम उसको जलाते हैं तो ये धुएं के रूप में दुगनी हो जाती है। तो इसलिए हमें पराली को नहीं जलाना है। और पराली को हम खुद किसान हैं, हमारे पिताजी, और हमारे वहाँ पे खेतों में कटने से पहले ही पराली को लेने वाले आ जाते हैं, और हम बेच भी देते हैं, हम नहीं जलाते हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप पराली को ना जलाओ। कम से कम एक फैक्टर को तो हम रोक सकते हैं। और इस समय सरकार का फर्ज बन, सरकार तो फिर भी चेतावनी देती, लेकिन जो व्यक्ति हैं ये मानते नहीं हैं, तो इनको मानना चाहिए।
जय हिंद जय भारत।